जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायानं, नमो लोई सबसाहूनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टवावायुवावाय सर्वभावान्तरचिते। अभी बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, सत और असत तद्रूप भावमयी या तद्रूप भावमयी शक्ति, वही वाली चल रही ना। अभी मैंने एक दिन सुना था बैठ करके पीछे से, थोड़ा इसका ही खुलासा लेता हूं, बाकी तो अभी कोई बात नहीं ले रही। चार्ट अपन लाए नहीं होंगे, जो ब्रेक भी हो गया उसमें जो अपना चल रहा था ना, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी काम की बात है। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे पास है कि भोगों में सुख बुद्धि कैसे छूटे, कमाने में सुख बुद्धि कैसे छूटे, खाने पीने में सुख बुद्धि कैसे छूटे, परिग्रह में सुख बुद्धि कैसे छूटे। प्रश्न में इसका गहरा विचार करना पड़ेगा आपको। गहरा मतलब मैं स्वामी जी की भाषा में बोलूं, सारे जगत को ये लगता है, अपनी बात कर रहे हो मुमुक्षुओं की, जो स्वामीगढ़ से जुड़ गए स्वाध्याय करने लगे, अब तो हमें कहीं अच्छा नहीं लगता, हम शादी विवाह में नहीं जाते, व्यापार धंधे में नहीं जाते, निवृत्ति ले ली है, हम तो खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, तो खूब स्वाध्याय सुनते हैं, पढ़ते हैं, और हम कुछ करते ही नहीं है, खाने पीने का भी रस उड़ गया, इस लगा लेना जितना जितना। तो स्वामी जी ये कहते थे सुख बुद्धि नहीं मिटी, सोचो हम में से कोई व्यक्ति इतना निवृत्त हो जाए व्यापार से, धंधे से, खाने से, पीने से, सबसे, पत्नी से, बच्चों से, अब घंटों सुनता हो और आप क्या बोल रहे हो कि उसे सुख बुद्धि नहीं टूटी। तुम्हें क्या लगता है बता, सुख बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? चाहे आप व्यापार धंधा छोड़ दो, सब काम कर लो और शिविर में ही लग जाओ, व्रत उपवास में लग जाओ, नहीं जो स्वाध्याय में लग जाओ, कोई बात नहीं, 8-10 घंटे रोज सुनो, 8-10 घंटे रोज पढ़ो, तो सुख बुद्धि टूटी कि नहीं प्रश्न है। क्योंकि सुख बुद्धि है क्या ये मुझे बताना है, ध्यान से सुनना, सुख बुद्धि है क्या, प्रश्न आया ही नहीं है। ये अपना प्रश्न अपने से, मेरा प्रश्न मेरे से ही समझो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो सुख बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? मैंने विवाह नहीं किया तो सुख बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? मैं पूरा टाइम इसी में लगा रहा हूं तो सुख बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? अपने को तो लग रहा है टूट गई होगी। तो गुरुदेव श्री कहते हैं, ध्यान से सुनने की बात है, अपना आत्मा का अनुभव हुए बगैर सुख बुद्धि टूटती नहीं। ये बात की चर्चा करनी थोड़ी सी, अपने में आत्मा का अनुभव हुए बिना पर में सुख बुद्धि टूटती नहीं। क्यों? ध्यान से सुनना थोड़ी चर्चा, क्योंकि पर में प्रवृत्ति सुख बुद्धि के कारण नहीं होती है। पर में जितनी प्रवृत्ति होती है वो तो अधिक भाव है, बहुत समझना क्या कहा। जैसे तीर्थंकर और चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती, तो उनकी 96,000 में प्रवृत्ति हो रही, 6 खंड में प्रवृत्ति हो रही, तो सुख बुद्धि के कारण हो रही। पकड़ना, मुमुक्षुओं को भी ये प्रश्न रह जाता है
कि जब तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी है तो उनको ऐसा खोटा भिखारी भाव क्यों आता है कि वो शादी करते हैं कि युद्ध करते हैं। प्रश्न में आ गई है। तो स्वामी जी ये कहते हैं उस सुखबुद्धि के कारण नहीं करते शादी। सुखबुद्धि है इसलिए 96,000 नहीं हुई है, वो इसलिए 6 खंड नहीं कर रहे हैं। भरत बाहुबली को कोई सुखबुद्धि है राज्य में सत्ता में, इसलिए भरत बाहुबली युद्ध नहीं कर रहे हैं। अब कितना कठिन प्रश्न हो गया, प्रश्न में आएगी नहीं है, बहुत बड़ी बात समझ में आएगी। ओहो, ज्ञानियों के जीवन में जो प्रवृत्ति है वो सही पाक निर्जरा है। 4 प्रकार की निर्जरा सुनी होगी, और अविपाक निर्जरा तो सरल पड़ती है, क्यों दिखती नहीं है, फल नहीं देती ना वो। अविपाक मतलब फल नहीं देती और खिल जाती है, तो वो सरल पड़ती है अपने को। सरल क्या पड़ती, कुछ दिखता ही नहीं बाहर में आपको, तो हाँ बहुत बढ़िया। और सही पाक में कठिन है, सही पाक में कठिन क्योंकि वो फल देके खिलती है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को भी निगति निकाचित प्रकृतियां वगैरह हो तो फल देके खिलेगी वो। अपने को ऐसा लगेगा भरत बाबू ने युद्ध क्यों होगा, तो बहुत एंगल से देखना पड़ेगा आपको। हाँ अपने को बहुत सारे विकल्प आते हैं ना। मैंने गुरुदेव सिंह के जीवन चरित्र में उठाए वो प्रश्न भी उठाए कि मोक्षों को भी ऐसा लगता था दोनों बहनों के बीच में ऐसा क्यों हुआ, और गुरुदेव की हाजिरी में होने पर भी ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि है। तो मैं पूछता हूं आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे तो भरत बाहुबली में क्यों हुआ। जब तक आपको पर्याय की स्वतंत्रता की खबर नहीं पड़ेगी, अभी की भाषा में कहो तो सत असत की खबर नहीं पड़ेगी। एक एक पर्याय अपने से सत है पर से असत है। ज्ञानियों की फिर से बोलो, ज्ञानियों की जो सही पाक निर्जरा है वो सुबुद्धि की वजह से नहीं होती, कर्ता बुद्धि की वजह से नहीं होती है। जिसको ऐसा लगता है मैं चाहूं तो परिणाम रोक लूं तो मिथ्या दृष्टि है वो। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ, जिसे ये लगता है मेरे पास लाओ मैं सुधार दूंगा उसे, मिथ्या दृष्टि है। क्यों, ओहो जो पर से असत है स्वयं से सत है उसे मैं कैसे सुधार दूंगा। तो सब ज्ञानी कहते तो हैं, ज्ञानी नहीं कहते, वो तो भाव कहता है। अंतर समझ में है कुछ, ज्ञानी नहीं कहते वो तो भाव कहता है। गुरुदेव श्री ऐसे फरमाते थे, सबको पता ही है इसलिए ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे उसको। हूं काई समझा सकतो नथी, हूं कोई ने समझा भी सकूं नहीं। तो कोई मित्र पक्ष के आए थे, मित्र पक्ष में विद्वानों में मित्र पक्ष थे, विद्वान आए, कैसी बातें कर रहे हो आप, समझाते रहे हो। बोले मैं नहीं समझा रहा। मैं नहीं समझा रहा। तो फिर उसने फिर पूछा, विद्वान आए थे ना, उन्होंने फिर पूछा, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि आप समझा भी रहे हो, कह रहे नहीं समझा रहे। अब है ना कॉन्ट्रोवर्सी, समझा रहे ही हो और कह रहे नहीं समझा रहे, हमें समझ में ही नहीं आ रही। तो गुरुदेव बोले यही तो हम कह रहे नहीं समझा पा रहे, नहीं समझ आया, सिद्ध हो गई ना बस। कि हमें समझ में नहीं आ रही, आ गई ना सिद्ध हो गई नहीं बात हमारी, समझाने से नहीं समझ में आती। तो समझाने का विकल्प कौन करते जी, वो देख बा औदिक भाव का कर्ता ज्ञानी नहीं है। पारणी में लिखी थी क्या था, प्रायोगिक भाव है उसका कर्ता मैं नहीं। समझ में आ रहा है कुछ, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। पॉइंट पकड़ में आया सबको, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो हम आपत्ति करते रहेंगे, विद्वान होके तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, विद्वान होके तो ऐसे नहीं करना चाहिए, फला होके तो ऐसे नहीं करना चाहिए। घर घर में झगड़ा है, सासू बा तो इतनी धर्मात्मा है फिर ऐसा गुस्सा क्यों करती है।
बोलो अभी मैं भोजन करने बैठूं तो आप बोलो इनको जो भी खाने पीने में मना क्यों कर देते हैं, ले क्यों लेते हैं और क्यों बनवा लेते हैं, मालूम क्या दीजिए बना दे, तो ऐसा क्यों करते हैं? अब ये सबकी समस्या है घर घर की, आया समझ में आएगा नहीं आएगा? देखो मैं फिर कहता हूँ, आप सोचना, मैं बहुत व्यापक कह रहा हूँ, लोगों को ऐसा प्रश्न खड़े हुए, विद्वान होने पर भी अरबपति हैं फिर भी कमा रहे। पहले मैं भी मना करता था मत कमाओ, सेठ लोगों से मैं मना करता था, इतना पैसा है खाने वाले कोई है नहीं, काहे के लिए कमा रहे, मेरा बस चले तो यहाँ बस नहीं चलेगा वो हसत है ना। लेकिन दृष्टांत भावना होती है ना, मेरा बस चले, एक व्यक्ति नहीं कमाए, बेवकूफ है बिल्कुल जो कमा रहा है, करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, फैक्ट्री है, ये है वो है, तमाम तमाम पैसा है, ये वजन कितना पैसा आ रहा है, इसके बावजूद माथा मारने जाते हैं आदमी। हमारे साथ टोटली निवृत्ति लो, खूब तीर्थों में बास करो, सत्समागम करो, शिविरों में जाओ। ये सच कह रहे, गुरुदेव श्री के पाने से आज अपनी समाज में साल भर कार्यक्रम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ठान ले नहीं मुझे शिविर में जाना है, कार्यक्रम में जाना है, कहीं ना कहीं आठ तो कहीं ना कहीं विधान हो रहा है, कहीं ना कहीं शिविर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पंचकल्याणक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मित्र पक्ष में इतना नहीं है जितना अपने कमी नहीं, मतलब तुम्हें क्या करो ना सत्समागम। फिर बाद में हमारी समझ में आए, जो मैं प्रकरण ले रहा हूँ, तो मेरा हटाग्रह मैंने छोड़ दिया। अब तो मैं एक ही बात कह देता हूँ कि डेट कैपिटल छोड़ के मरना मूर्खता है। कमाना तो तुम नहीं छोड़ पाओगे। क्यों नहीं छोड़ पाओगे? क्योंकि तुम कमा नहीं रहे हो। भरतीय विभाग की भाषा में बोलू, भरत चक्रवर्ती विचार करते हैं, ऐसा लिखा है, भरत चक्रवर्ती विचार करते हैं, सारी दुनिया तो ये सोचती है कि मैं भोगों को भोगता हूं, अरे रे मैं भोगों को भुगतता हूं। फर्क समझ आया कुछ? क्या क्या फर्क हुआ? भोगों को भोगता है कि भुगतता है? द्रव्यानियों की भाषा में कहेंगे ज्ञानी भोगों को जानता है, कर्णानियों से कहेंगे भोगों को भुगतता है, प्रथमानियों वाले कह रहे हैं मजे कर रहे हैं, भरत चक्रवर्ती देखो मजे कर रहे हैं, देखो ऐसी सेफ सुंदर रानियां और यहां से खड़ी बिल्कुल जी हजूर, कोई पंखा जल रही है, कोई भोजन करा रही है, ऐसा लिखा है बहुत विस्तार। लेकिन वे अंतर में विचार कर रहे, वो हो डॉक्टर साहब ने इस बात को बताने के लिए दो कहानियां लिखी। आप कुछ भी कहो, पढ़िए पढ़ी ना शालीन, कहा है शालीन, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो प्रतिज्ञा करो आज पढ़ोगे, एक कहानी रोज पढ़ोगे आज से। आप कुछ भी कहो, घर में है तुम्हारे, है कि नहीं? पक्का निकाल लेना हो पढ़ना। जो छोटी छोटी दो कहानियां हैं, एक है अभागा भरत और एक है उच्छिष्ट भोजी, ये दो तो जरूरी पढ़ लेना, और हर 15 दिन में पढ़ना। क्यों कह रहा हूं समझ गए? पढ़ोगे तो समझ जाओगे, बहुत जोरदार कहानी है, पढ़ने जैसी है ये कहानी। मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं लेकिन गजब है ये कहानी। तो बोलो ढाई ढाई पेज की, दो दो पेज की है, तीन तीन पेज की, लेकिन डॉक्टर साहब ने गजब करा उसमें। वो चीज थे वो जी अभागा भारत, तो उसमें जैसे बात कहना वो मुझे समझो, सारी दुनिया को लगता है मैं भोगों को भोगता हूं, अरे मैं भोग को भुगतता हूं, क्या मतलब? मेरे 99 भाई दीक्षा लेके चले गए, भागशाली जब ये हैं, मैं तो 60,000 वर्ष युद्ध के मैदान में खड़ा हूं, मैं इस चक्रवर्ती के नियोग को भुगत रहा हूं। वे भाई चक्रवर्ती नहीं थे, आज दीक्षा लेकर के आदिनाथ भगवान के समोसरण, आप कल्पना कर सकते हो? 99 भाई आदिनाथ भगवान की देवी ध्वनि रोज सुन रहे होंगे और समोसरण में छठा सातवां कर्मों को खिपा रहे हों, और कितने भाई गर्दर आदि हो गए हों, और जी कहां बैठे हैं जब उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, अजी यही बैठे, और फिर 60,000 बस कैसा लगता होगा? आप कल्पना तो करो कैसा लगता होगा। आप बोलो भाई भोगों को भोगता है कि भोगता है? ये बात मैंने तुमसे क्यों कही जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि कर्मों के निदत्ति निकाचित नियोग आदि होते हैं, वो सहिपाक निद्रा होती है उसकी, अहिपाक निद्रा नहीं होती उसकी, और लोगों को मजा आता है, और ये गजब हो गया।
मैं फिर कह रहा हूँ आपको, धर्मात्माओं के बहुत पुण्य योग होता है, बहुत पुण्य योग, जैसे मैं नियोग कह रहा हूँ ना, ये निरति निकाची टाइप की होती है, तो होता ही है। ज्ञानी चाहे करके भी उसका निषेध नहीं कर पाते। गुरुदेव श्री के सामने, गुरुदेव श्री को बहुत कहा लोगों ने, कहा लोगों ने आप जन्म जयंती क्यों मनवाते हो? बोले मैं तो नहीं मनवाता आप तो डिप्लोमेसी कर रहे हो, एक तो मन रही है और कह रहे नहीं मनवाता। अरे मैं मना करता हूँ भैया, नहीं मेरी कोई आनंद नहीं है मेरे इसमें, जो ध्रुव ग्रायक में आनंद है वो कहीं नहीं है। तो सब मनती तो है, तो समझिए क्यों क्यों नहीं रुक पाती, नियोग होता है। तीर्थंकर समोसण का मना नहीं कर सकते, तीर्थंकर सोच आते ना वो इंद्र, उन्हें मना नहीं कर सकते भी, देखो हमारी ख्याति मत करो, हमारा वो मत करो, हमारा प्रभाव मत करो, लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं कर सकते। नहीं होना तो नहीं, होने योग पर्याय नहीं होगी, और होने योग पर्याय होगी। सता सत की बात चल रही, समझ में आ रहा है? समझ नहीं भैया क्यों मैं ये बात कहकर बहुत सारे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अमुक विद्वान ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ये इस पे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, वो तत्व सही बता रहे कि नहीं बता रहे। एक विद्वान ने, उनकी पत्नी गुजर गई तो दूसरी शादी कर ली, फेमस है बात, नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, फेमस है, 55 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली, कोई बात नहीं, सारे देश में विद्वान है तो शादी क्यों करी विद्वान। अरे तो इसका मतलब मिथ्या है दिमाग में, मिथ्या क्यों है? नहीं करने वालों मतलब करना चाह रहे हैं और नहीं हो रही, और वे नहीं करना चाह रहे थे या करने का विकल्प आया और एक कुंवारी लड़की मिल भी गई, 35-40 साल की, 40-42 साल की, एक 40-42 साल की मिल भी गई, उसने शादी नहीं की थी और ब्रह्मचर्य भी नहीं लिया, अब योग बन गया। देखो योग बन गया, और अभी कल इंदौर का आया है, अपने कोई जैन समाज का है, किसका पकवान जैन समाज का शादी समारोह बहुत चल रहा है, सब क्या कहलाता है वो आजकल मैरिज ब्यूरो, तो उसने 75 साल का आदमी शादी कराने आया है, टोंगिया जी शादी कराने, बोले क्यों? मेरी 3 लड़कियां, तीनों ही शादी हो गई, पत्नी गुजर गई, अब अकेला पड़ा खड़ता है, तो छोटी बेटी लेके आई मेरी पापा के लिए मम्मी ढूंढना है, ऐसा लिखा है। टोंगिया होगा मैंने जिया नहीं होगा, यूं मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, मैंने बहुत मुझे जो कहना वो समझो, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने उस समय भी यही समाधान दिया जो आज दे रहा हूं, विद्वानों के मामले में बात आई थी ना अपने, तो मैंने यही कहा था भैया थवा योग था, कोई करने और नहीं करने से कुछ नहीं होता, बेचारे लड़के शादी करना चाह रहे हैं उनकी हो नहीं रही, वहीं की एक पलक झपकते हो गई। आज समझ में आ रही बात, मैं किसी को बचाव के मुझे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप वेद विज्ञान करना जानोगे तो आनंद में रहोगे, और नहीं तो आपके पास ऑब्जेक्शन बने रहेंगे, भाई ऐसा क्यों होता है, भाई ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, गुरुदेव को तो ऐसा नहीं करना, बहन श्री को तो ऐसा नहीं करना, फला पंडित जी को ऐसे नहीं करना, उनका देह परिवर्तन वहां तो नहीं होना था। अरे कहां होना था, ये खचेदा है। मैं क्यों कह रहा हूं, निर्विकल्प होने का रास्ता है। एक और बहुत अच्छी बात बोलता हूं, बताई तो पहले भी लेकिन इशारा ही करूंगा केवल, जिससे मैं बहुत निराकुल हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी बात शेयर कर रहा हूं, मैं निराकुल हूं क्यों पंडित जी, हमें और कोई से तो इतनी शिकायत नहीं है, लेकिन मुमुक्षुओं से बहुत शिकायत है। अपने को शिकायत निकटवर्ती से होती है, दूरवर्ती से कोई नहीं होती। अमेरिका में ट्रंप क्या कर रहा है इसे कोई टेंशन नहीं, तकलीफ हमें है कि तुम क्या कर रहे हो। इसका जवाब दे रहा हूं बहुत अच्छा, अपने जैसे सेन आचार्य है ना, जय सेन आचार्य जी, उनकी टीका पढ़ रहे थे अभी हम, तो उस टीका में ऐसी बात आई जोरदार कि तीन, वो पढ़ी है सब लोग, मैं बता रहा हूँ, 3 काल के सिद्ध कितने से हैं, तो समझाने के लिए यही कहूंगा, भव्य जीवों का अनंत भाव, अब की नहीं कह रहा हूं, अब वैसे तो असंख्यात गुने अनंत गुने जो भी होंगे, लेकिन
भव्य जीवों का अनंत व भाग। समझाने के लिए करुणा ने वो दृष्टांत दिया है, तीन लोको समुद्र बनाओ और सुई की सबसे सार्व नॉक पॉइंट ऐसे टच करो, दबाओ नहीं, टच करो उसके जो पॉइंट पर जितने जीव आए ना उसमें असंख्यात का भाग दो। जितने जीव आए ना पानी के टच करने पर, पानी के जितने जीव आ गए इस पर टच करने पर, तो तीन लोग के समुद्र बराबर तो जीव हैं, और टच करने पर जितने जीव आए इसमें असंख्यात का भाग दो। इतने तीन काल के सिद्ध हैं। ओहो, बस उसी दिन समझ में आ गया कि कंप्लेन की जरूरत नहीं है। जीव जैन होकर के भी संसार में रखड़ेगा, मुमुक्षु होके भी रखड़ेगा, फला करके भी रखड़ेगा, पास आके भी रखड़ेगा, पढ़ करके भी रखड़ेगा। वो ये तुमसे नहीं कह रहा, अंतर में एकदम निराकुल हो गए, अब मुझे कोई से कोई शिकायत नहीं। कभी टेंशन नहीं करो, विद्वान ऐसा क्यों करने, तुम मत करो ना। जब मैं ब्रह्मचर्य ले रहा था ना तो मुझे दो तीन टेंशन थी, टेंशन ही एक तो शुद्ध भोजन की, दूसरी एलोपैथी की, तीसरा अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी त्यागी साधु वगैरह भी भ्रष्ट होते दिखाई दे रहे थे। ये तीन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी मेरे सामने। खासतौर से मैं परिणाम बिगड़ने वाली और प्रवृत्ति बिगड़ने वाली बात करता हूँ, जिनके शिथिलाचार दिखाई दे रहा था बड़े पदों में, तो मेरा क्या होगा। 80 की बात होगी, 80 की बात में बहुत घूम रही थी दिमाग में, घटना घट रही थी उस तरह की। तो फिर मैंने भोजन करते करते माँ से पूछी ये बात कि क्या करना चाहिए। माँ बोल को सीधी सच्ची है, दंद बंद में नहीं है, तो सीधी सच्ची भाषा बोली, बड़ी एक लाइन की भाषा बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी। कितने डूबे ये मत देखो, एक भी तरा तो कैसे तरा। गुरुदेव कैसे आए जी, सोच आचार्य कुंकुम स्वामी निकले ना इसी में से निकले ना, एक तो सही है ना, उन्हें देखो, डूबने वालों को मत देखो। मैं उसी दिन से बहुत मजा आ गया, मैंने ये छोटी सी लाइन ने मेरी जिंदगी में बड़ा यू टर्न दिया, यूं समझ लो मैं बहुत निर्भीक हो गया। अब मुझे, मैंने किसी को देख के नहीं सोचा कि ये जैसा त्याग करते तो मैं करूं, ये नहीं करते तो मैं नहीं करूं, ये अमुक खाते तो मैं खाऊं, मैं ये नहीं खाते तो मैं नहीं खाऊं, नहीं मुझे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। स्वभाव की दृष्टि करने पर जितनी कसाई चौकड़ी मिटे और जैसा सही पाक नजर आओ उसे स्वीकार करो। जल्दी बोल गए विद्वान लोग तो जल्दी समझ गए होंगे, कुछ बोला मैंने, क्या बोला समझ में है कोई। सही पाक निद्रा सहज पने स्वीकार करो, एक ही बहुत बड़ा रोग है। मैं जो त्याग देता हूं, मैं कल्पना करना चाहता हूं तुम भी त्यागो, और तुमने नहीं त्यागा तो मिथ्या दृष्टि। अमृत खाती हो, बिल्कुल मैंने अमृत खाना ऐसे हुए मिथ्यात्व से ही बड़ा पाप हो गया। मैं अमुक चीज नहीं खाता था, मैं यही सोचता हूँ अनंत पाप, अरे रुको तो अनंत पाप, सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व, अमृत खाना पाप नहीं। इसका मतलब मैं अमरूद के पक्ष में हूं कि फला के पक्ष में हूं कि दही के पक्ष में हूं, ये मैं चक्कर में नहीं पड़ रहा। बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत परेशान लोग ऐसे पूछते पंडित जी हम ये खाएं कि नहीं खाएं। मैंने कहा देखो जिनमानी में तो ये लिखता है तुम अनाहारी हो, है ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, वो बता। अरे तो अनाहारी पहले देख तो जो असली उत्तर है वो तो सुनना नहीं उसे, अनाहारी भाई तू एक परमाणु मात्र नहीं खाता है, यहां से तो शुरू कर। नहीं नहीं आप ही बताओ खाऊं कि नहीं खाऊं। देख तेरा राग है ना वो खाता है, तू तो खाता नहीं, कौन खाता है। और राग मिटा नहीं है तो खाएगा ही तू, और नहीं खाएगा तो फिर खाने वालों से जेलेसी करेगा। पता है आपको जो लोग आलू छोड़ देते ना उन्हें आलू खाने वालों यहां से आंख से गोली मारते। फिर बात करिए बहुत मैं नहीं खाता हूं, हमने बचपन से नहीं खाया, तो नहीं खाया तो एहसान कराया क्या, सम्यक दर्शन करने। पॉइंट मैं आलू के पक्ष में नहीं कह रहा, मेरा मतलब है इस तरह की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने कहां से जोड़ा को समझ में आया, उन्होंने छोड़ने पर वजन नहीं दिया, प्रवृत्ति पर वजन नहीं दिया, उन्होंने इस बात पर वजन दिया तू अनाहारी है। हम मैं खाता हूं बहुत सारी चीजें, तो लोग मेरे से आपत्ति करते आप क्यों खाते हो, मैंने राग है बहाने मारते हो आप, ये सच्ची कह रहा हूं झूठ बोल रहा हूं क्या है। मेरी जीवन गाथा है, मेरी जीवन गाथा है गणेश प्रसाद जी बर्णी जी की, जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो उस बर्णी जी की गाथा में वो थे तो ब्रह्मचारी छुल्लक, और छुल्लक तो नहीं थे ब्रह्मचारी थे प्रतिमाधारी, तो वे भिंडी की सब्जी खाते थे।
तो भिंडी की सब्जी हमारे बुंदेलखंड में नहीं खाते ब्रह्मचारी लोग, मैं तो खाता हूँ मतलब उन्हीं के चक्कर में उनके चक्कर में नहीं, दूसरी बात बताने मुझे। तो उन्होंने वो खुद लिखी अपनी कथा में कि सारे ब्रह्मचारी मेरा मजाक उड़ाते थे, मना करते थे क्यों खाते हो, और सब्जियां खा लो, भिंडी की सब्जी में क्या रखा है, मत खा। तो परेशान हो गए ना, बार बार कहते थे। तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा बोलता हूँ, सरल है। अब भैया भाव होते तो खाओ थे समझ में, भाती है इसलिए खाती है। मैं इस लाइन में से मैंने स्वच्छता ग्रहण नहीं की, ऐसी कितनी चीजें होंगी जो दो व्यक्तियों के बीच में तालमेल नहीं होगा, दो व्यक्तियों के औदिक भाव एक से नहीं होंगे, हर घर का झगड़ा निपटा रहा हूं मैं, पति पत्नी में भी कोई कोई बात ऐसी होगी, तुम ढोकला क्यों बनाती हूँ, मुझे ढोकले पसंद नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल, खंडवा क्यों नहीं बनाती, क्या खंड भी क्या जो भी हंडवा खंडवा जो वो क्यों नहीं बनाती, अब वो कहती मुझे नहीं भाती। अब मालूम है आपको, महिलाएं वो बनाती जो उन्हें भाता है और जो तुम्हें आइटम भाता उन्हें नहीं भाते, फिर वो उसको इग्नोर करके चलती, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा चार छह बार कभी तो बना दो। तुम्हें कितनी लिप्सा है खाने की, अरे लिप्सा नहीं है, जैसे तुम्हें भाता है तुम खाते, ऐसे हम खा। एक एग्जाम्पल कुछ पकड़ना जरा, अनाहारी अनुभव किए बिना कसाय नहीं मिटेगी, और कसाय नहीं मिटेगी तब तक सच्चा त्याग नहीं होगा। तो त्याग करें कि नहीं करें, हम कहां से बता दें त्याग करें कि नहीं, प्रभु तू पहले अनासक्त हो। ध्यान से सुनना एक लाइन काम की कह रहा हूं, जिन वाणी में सबसे पहले स्वानुभव की प्रेरणा है। चरणानियों का निषेध नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, चरणानियों जिसे आप अपनाती हो ना वो त्याग नहीं है, वो संस्कार है आपका। कुछ बोला मैंने शब्द, वो आपके जैन कुल का संस्कार है, जो बचपन से आपको खाना पीना उठना बैठना मिला वो संस्कार है, उसका नाम त्याग नहीं है। त्याग काय से कहलाता है, स्वानुभव पूर्वक आसक्ति का त्याग को त्याग कहते हैं। क्या बोला हमने, स्वानुभव पूर्वक आसक्ति के त्याग को त्याग। अब तूने स्वानुभव तो बोल कर दिया, नहीं नहीं आप तो चरणानियों से बोलो। अरे कैसे बोले, गुरुदेव श्री ऐसे कहते थे, अकेला चरणानियोग होता ही नहीं। गुरुदेव श्री ने बहुत कमाल किया सच में, आप चरणानियों के प्रवचन भी सुनोगे ना तो द्रव्यानियों के बिना नहीं करेंगे। वो ऐसे कहते व्यवहार नाम पाते ही नहीं है, अंदर दल ना हो, दल दल समझिए केले का दल, केला सफेद, तो छिलका का नाम केला पड़ता ही नहीं है। गुरुदेव इतना प्यारा दृष्टांत है, छिलका का नाम केला है ही नहीं, अंदर दल हो सफेद दल हो तो छिलका को केला कहने में आता है। ऐसे स्वानुभव हो कसाय चौकड़ी मिटे तो वे बाहर में व्यवहार कहने में आता है। गुरुदेव सिंह ने इस लीक को नहीं छोड़ा, जबकि 90% विद्वान लीक को छोड़ जाएंगे, गुरुदेव की कभी भी सुन लेना पढ़ लेना, दान देना व्यवहार है कि नहीं, स्वानुभव बगैर न काई उपचार आप तुझ न थी। अब उपचार रहोगे कहेगा, पॉइंट पकड़ में आए, कुछ काय का त्याग कराया पहले नंबर, स्वानुभव पूर्वक आसक्ति का त्याग। ए स्वानुभव के बिना आसक्ति का त्याग नहीं होगा, क्या बोला मैंने बोले जरा, स्वानुभव के बिना आसक्ति का त्याग नहीं होगा। मैं दृष्टांत देता हूं, एक एन जी को लड्डू खाने का भाव नहीं आता तो सुख बुद्धि छूट गई। सूकर होता ना सूकर, उसे कभी लड्डू खाने का भाव नहीं आता। अब पंचेंद्री हो संगी पंचेंद्री, ये केंद्रीय नहीं कह रहे संगी पंचेंद्री, उसे तो फिर उसको छूट गया, सुख बुद्धि छूट गई। उसे छह खंड का भाव नहीं आता, छह खंड का भाव नहीं आता गाय बैल को ढोर को, तो क्या उसके चक्रवर्ती में सुख बुद्धि छूट गई। जिस लड़के की शादी नहीं हुई तो क्या उसका 96,000 की आसक्ति का त्याग हो गया। मोहन पकड़ में आए, बहुत सूक्ष्म बात है, स्वानुभव पूर्वक आसक्ति का त्याग को त्याग कहते हैं, और उसके साथ जो प्रवृत्ति दिखाई देती उस पर उपचार से व्यवहार कहते हैं, व्यवहार से नहीं व्यवहार कहते हैं। पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं भैया, अब सुख बुद्धि का त्याग समझ आया। मैं इसलिए कह रहा हूं हम में से बहुत सारे लोग ठगा सकते हैं, ठगा सकते हैं मतलब पंडित जी अब हमारा धर्म, अब तो हम बहुत धर्म कर रहे हैं, अब तो हम बहुत धर्म कर रहे हैं, अब तो हमने व्यापार छोड़ दिया, अब तो हमने सब छोड़ दिया, अब तो हम खा पी रहे बड़े कुछ चक्कर भी नहीं, हम तो जाते भी नहीं वो सामूहिक विवाह लगन में भी नहीं जाते, हम तो घर में ही शुद्ध खाते हैं अपने, कुछ नहीं बस
तो जैसे व्यवहारावासी कहा था ना, यहां से व्यवहारावास हो जाएगा। तो वह क्या करें कि ध्रुव की लगन, ध्रुव का निर्णय, ध्रुव की प्रतीति, गाय की प्रतीति, इसके बिना व्यवहार नाम नहीं होगा। अर्थात तुम सब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक तुम अंतर में तुम्हें ये ना लगे कि मैं ध्रुव हूं, गायक हूं, परमेश्वर हूं। फिर हम तो विचार करेंगे और तो क्या कर सकते। नहीं नहीं, विचार नहीं, विचार ध्यान से सुनना। 24 घंटे ध्रुव की माला फेरने वाले को भी सुख बुद्धि नहीं छूटी। मैं फिर कह रहा हूं, सुख बुद्धि क्या? ध्रुव की माला फेरने वाले को भी, ध्रुव का विचार करने वाले को भी। क्यों? उसको विचार में सुख बुद्धि हो गई, विचार में अटक गया वो। और ध्यान से सुनना, एक परमाणु मात्र में सुख बुद्धि वाले को तीन असंख्यात लोक प्रमाण सुख बुद्धि है। क्या बोल के जल्दी से? एक परमाणु में सुख बुद्धि वाले व्यक्ति को, एक परद्रव्य में सुख बुद्धि वाले को, एक परद्रव्य में सुख बुद्धि नहीं होती। अनंतानुबंधी का नाम है। थोड़ा समझ में आ रहा है गणित? हा 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 हा। जैसे कोई दृष्टांत दे रहे हो, जैसे एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता है, शादी तो एक ही करना है ना उसे। पॉइंट सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। शादी तो एक ही करना है उसको, लेकिन उस लड़के ने कहा मुझे तो किसी भी लड़की से कर दो। तो इसमें क्या बोला सर? बोलो रमेश भाई, किससे किससे शादी करना चाह रहे? शादी तो एक ही करना है उसको। अब इसकी आसक्ति किसमें है? किसमें है? मुस्लिम चलेगी, हिंदू चलेगी, ईसाई चलेगी, रसिया की चलेगी, जापान की चलेगी, किसी से ही करा दो। क्या मतलब निकला? शब्द तो छोटा है, किसी से भी, लेकिन इसका मतलब तेरा तेरी आसक्ति इतनी अधिक है कि तू विश्व में किसी से भी विवाह कर सकता है। ऐसे एक पत्र में सुख मानने वाला पूरे विश्व के द्रव्यों में सुख मानता है, और एक गायक में सुख बुद्धि मानने वाला विश्व की सुख बुद्धि टूट जाती है। गजब हो गया। तो एक एक में सुख बुद्धि मत तोड़ो। पॉइंट पकड़ में आया? मैंने हम अभी क्या करते हैं पंडित जी, ये साड़ी का राग नहीं छूटता, बाकी तो सब छोड़ दूं, बस ये 10 साड़ियां तो प्राण हैं। तो तू एक एक साड़ी से प्राण मत निकाल। पॉइंट पकड़ में आया? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप समझना मेरी बात, क्योंकि मेरे पास रोज ये बात आती है। हमें शरीर में सुख बुद्धि है, हम फला में सुख बुद्धि है, शादी में सुख बुद्धि। अरे एक एक सुख बुद्धि नहीं छूटेगी। ध्यान रखना, जिनवाणी में 17 के कथन आए, वहां ये भी कहा है शरीर में सुख नहीं है, नवद्वार भय घिनकारी, एक चमड़ी हटा के देखो तो कैसा लगता है, 17 की चर्चा है। लेकिन इतना विचार करने पर भी सुख बुद्धि नहीं टूटेगी, ये कह रहे हैं। यदि ऐसा होता तो डॉक्टर शादी नहीं करते। डॉक्टर डेड बॉडी पे कितने वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करते हैं ना डेड बॉडी पे, तो उन्हें तो मांस कैसा दिखता होगा, अंदर अंदर सब देखते होंगे, नहीं देखते मैं सब, अच्छा लगता होगा, फिर भी शादी करती। क्या मतलब? बहुत सुनना ध्यान से, लोग बहुत मिलते हैं पंडित जी मैंने शरीर का इतना विचार किया है, इतना विचार किया, फिर भी खाते समय राग आ जाता है, फिर भी पत्नी का राग आ जाता है, फिर भी कमाने का राग, बद्दू भुलाई जाए हूं परमात्मा से, ये बात भूल जाता हूं। सबको प्रश्न नहीं आ रहा? ये इतना प्रवचन सुनते हैं, आसक्ति तो मैं ही है कमाने की, खाने की, जो कुछ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक एक विषय से तू कनेक्शन कट मत कर। तू जितना शरीर का विचार करता है उससे ज्यादा ध्रुव का निर्णय कर। हम क्या करें? लिखा तो है, हाँ लिखा बराबर है, अब तुझे अटकना है कि नहीं अटकना है तू जान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? एक ध्रुव गायक का आत्मा का अनुभव, आत्मा में सुख बुद्धि होने पर एक 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 ही रास्ता, नान्य था साध्य सिद्धि। क्या बोला मैंने? नान्य था साध्य सिद्धि। एक आत्मा में रुचि आए बिना पर की रुचि टूटती। एक जरा सा बवाल बन गया था ना, 370 हटी थी जब। हिंदुस्तानी लोगो, अब कश्मीरी लड़कियों से शादी करो, अब करना मरना किसी को नहीं है। कर लेंगे सारे सारे, कैसे कर लेंगे? आखिर उनकी सबको परंपराएं होती हैं, ऐसे कैसे कर लेंगे? लेकिन वो बोलना भारी पड़ गया। क्या? इससे पता लग गया तुम्हारी मनोवृत्ति कितनी खोटी है। हुई हुई तो किसी की नहीं, मनोवृत्ति का पता लग गया। सुनो, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना ही सारी विश्व की स्त्रियों का त्याग है।
दस्ता ऐसे एक ध्रुव गया है भगवान में आत्मा बुद्धि होना सुख बुद्धि आपा बुद्धि आना टोटमल जी आपा बुद्धि होना आत्मा के अनुभव में मस्त रहना ये विश्व की सारे पर द्रव्य को रिजाइन करने जैसी बात हो गई क्या बोले हो सबको रिफ्यूज कर देने जैसी ऑटोमेटिक हो गई। बाबूआ जी दृष्टांत देते अपने घर में आए तो सारे घर छूट गए सारा विश्व छोड़ने का क्या तरीका है अपने घर में आ जाओ बस खत्म सबके चक्कर में पढ़ने की जरूरत क्या है। नहीं नहीं पंडित जी अभी मैंने मुसलमानों के घर में कभी नहीं जाऊंगा त्याग है मेरा सुन तेरी सुबुद्धि नहीं टूटी अभी तो चल हिंदुओं में भी नहीं जाऊं अरे ऐसे करने नहीं होगा तू अपने घर में आ सबका त्याग पॉइंट समझ में आएगा। आज की चर्चा में क्या प्रधान वचन देना चाह रहा हूं ज्ञाय का निर्णय करे बिना चैन नहीं पड़नी चाहिए ध्रुव का निर्णय करे बिना चैन निर्णय अनुभव हो बेंच रीज को क्या कहते थे जैसे सिर में कीड़े पड़ जाते नहीं वो कुत्ते को चैन नहीं पड़ती ऐसे स्वानुभव के बिना ज्ञानियों को चैन नहीं पड़ती। कुछ कह रहा हूं ध्यान से सुन रहे हो यदि आपको लगता है नहीं चैन है आपको चैन तो फिर आप गफलत में ये कह रहे हैं मुझे और मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया तीन काल के सिद्ध जरा से हैं। पहले लोग मेरे से प्रश्न पूछते थे कि साहब हम अभव्य तो नहीं है मैंने कहा इससे भी खतरनाक प्रश्न है कि तुम भव्य होने पर भी मोक्ष नहीं जाओगे ये कोई गारंटी नहीं तुम भव्य तो मोक्ष चले ही जाओ क्योंकि भव्य से भी भव्य के भी अनंत में भाग का मोक्ष होना है। मुझे उस दिन से बहुत मजा आ गया राग देश से मत फालतू की बात चक्कर से बहुत बच गए कोई टेंशन नहीं अब कहा अपन फालतू चक्कर में मत पड़ो इसलिए मुझे इच्छा नहीं होती तुम्हारी प्रपंच में पढ़ने की समझ में आए कुछ एक ही काम करने लायक है ज्ञाय का निर्णय ध्रुव का निर्णय अभेद का निर्णय बस इसके बिना चैन नहीं पड़नी चाहिए। फिर सा हमें कैसे पता लगे अनुभव अब उसका निर्णय आप करो अनुभव का भी निर्णय करो अनुभव कैसे होता है गफलत में नहीं रहना चल आगे चलो सुख बुद्धि तोड़ने के प्रश्न में आया कुछ सुख बुद्धि तोड़ना मतलब प्रवृत्ति प्रधान नहीं सोचना अब हम नहीं खाते पहले तो हम बहुत खाते थे फिर हमने एक बार विचार किया छोड़ ही दिया वो ये छोड़ना और खाने से सुबुद्धि नहीं छूटती ये समझना। अब काम तो वो देखो चरणानी से बोलूंगा अभी सरल हो जाए चरणानी से मैं इमोशनल कर दूंगा आप बहुत सारी चीज छोड़ दोगे अब भी आज छोड़ दोगे लेकिन मैं आपको द्रव्यानी से कह रहा हूं ये सारी लाइट बंद कितनी सेकंड में कर सकते हैं ये पूरी लाइट मैन स्विच बंद कर दे खतर ऐसे हम बार बार फेंके गुरुदेव से की बार बार फरमा रहे भैया तू भगवान है अभी कितनी कितने गदगद भावों से पढ़ा रहे थे चर्चा कितनी गदगद थी एकदम अभी सुना हो जिन्होंने आत्मा की महिमा कैसे गजब है आत्मा की मतलब समझ में आ रहा भैया तो सुख बुद्धि तोड़ने के लिए मेहनत तो ज्यादा है इसमें वो सरल है मैं कह दू रात्रि भोजन छोड़ चल छोड़ दे कोई बात नहीं मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है 7 बजे तक खा लेना तो तुमको पंडित जी का बोला हाँ पंडित जी का 7 बजे तक खा लेना अरे खाना कि नहीं खाना पहले अनाहारी देख भाई इसका निर्णय कर अनाहारी को ध्यान से सुनना अनाहारी के अनुभव करने वालों को अयोग विकल्प स्वयं छूट जाते हैं कोई वाक्य बोला मैंने कौन सा वाक्य बोला अनाहारी के अनुभव करने वालों को अयोग्य विकल्प स्वच्छता कैसे हो जाएगी लोग को क्या डर लगता है स्वच्छ नहीं हो जाएंगे तो कुछ भी खाएं अरे कुछ भी तो कुछ नहीं खाएगा अयोग्य विकल्प छूटते हैं क्यों राष्ट्रपति भवन जाओ कभी तो फिल्मी गाना गाओगे कि फला गाना गाओगे कि भजन गाओगे मतलब क्या करोगे तो जैसे राष्ट्रपति भवन में जाने वाले को अयोग्य प्रवृत्ति अपने आप छूट जाती है भैया सन्नाटा शांति राष्ट्रपति भवन है बोलो अयोग्य अपने आप छूट जाए ऐसे तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट नाथ मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले को अयोग्य मन वचन काय के विकल्प होते एक करना नहीं होगे वो करना नहीं होगे ऑटोमेटिक नहीं होती शेर को छुड़ाना नहीं पड़ा मांस क्यों समझाना पड़ा होगा इसमें अनंत जीव राशि होती है और पुल भी होती है क्या क्या होती है इसमें
क्या क्या अंडे आदि होते हैं, ये होता है, इसे कैसे पढ़ाना पड़ा हो? ये तो क्या कहें हो आप, सौभाग्य कहेंगे दुर्भाग्य कहेंगे, इतना विस्तार से हम पढ़ रहे हैं तो भी विरक्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं विरक्त हो पाते? क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे। नंबर वन, उस सिंह को देखो और त्रियंश गति के असंख्या सम्यक दृष्टि, मनुष्य गति से भी असंख्यात गुण है, मनुष्य में तो गिनती गई है काउंटेबल, त्रियंश गति में कितने हैं? असंख्या सम्यक दृष्टि। तो वे क्या करते हैं, यहां कनेक्ट हुए, सबसे डिस्कनेक्ट हो गए, पॉइंट पकड़ में, नरक में सम्यक दृष्टि असंख्या थे, इधर से कनेक्ट हुए, और हम यही नहीं आएंगे, बाकी सब कर लेंगे। कल एक बच्चा हमें मिला चैतन्य धाम में, बोले पंडित जी मैं साइंस करके साइंटिस्ट बनूंगा और एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे विदेश से चले जाए। क्योंकि कितना 40 लाख मील बता रहे, कितना बताया इसे करना नहीं होगा, वो मेरे को बता रहा था 40 लाख मील। बोले हमें बताया 40 लाख मील तो है ही विदेश क्षेत्र, तो हम ऐसी सुपर फास्ट स्पीड वाला बनाएंगे उसे चले जाएंगे। और तो मैंने कहा भैया बेटे, अब देखो उसे समझ में आया कि नहीं आया उसकी वो जाने, मैंने वहां जाने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर। बोले क्यों? मैंने भले आदमी असंख्यात बाहर गए यहां पर, तुम्हें क्या लग रहा है वहां कोई स्पेशल ऐसी रचना वहां होती है? मकान दुकान मकान सब होते हैं वहां भी, पत्नी व्यापार धंधा सब होता है वहां भी, मिथ्या दृष्टि घूमते हैं वहां भी, ग्रेज मिथ्या दृष्टि घूमती देख लेना, ग्रेज मिथ्या दृष्टि घूमते जैसा, ये सब उपचार के कथन होते हैं, समझ में आ रहे हैं? सही कर लेना यदि गलत हो तो, मैंने वहां भी ऐसी रचना है, बस क्या फर्क पड़ जाता है? मेरे से पूछो आप क्यों नहीं जाने चाहते, कि वहां जाने का पंचम काल का मेरे ख्याल से ये हो गया, पंचम काल या चौथे काल का भी होगा पता नहीं, जो यहां से सीधे विदेश से जाए वो तो मिथ्या तो सही जाता है, अभी पंचम काल का 123 का है जाएंगे, तो मुझे तो नहीं जाना मिथ्या दृष्टि होकर। अब मैंने कहा इतनी दूर जाने की सोच रहा है, इधर आ जाए ना। अरे वहां जाके क्या करना है? इधर यही है ना, भौतिकवाद आपको सच में धर्म के नाम पर भी अपने से दूर ले जाता है। कुछ कहा मैंने, क्या बोला? भौतिकवाद इसका नाम आजकल की भाषा में पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, इसको ओ कल्चर कहते हैं, ओ कल्चर, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, इसको पूरे वर्ल्ड में ओ कल्चर कहते हैं, ओ कल्चर है, अपने से दूर, अपने बालों से दूर चले गए, धन संपदा बहुत आ गई लेकिन शांति नहीं आई, सुख समृद्धि नहीं भाई, बहुत ही बात की संपत्ति बहुत आ गई, क्या फायदा निकला? ये शिविर हम इसलिए कहते, आप तो लगाते ही बहुत सारे, इसलिए हम कहते कहीं ऐसा तो नहीं अपनी सुख शांति गायब, और क्या सब क्या मिला कि सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ बाकी सब हो गया, मेरे पिताजी स्वस्थ तो नहीं हुए बाकी इलाज में खूब खर्चा किया, 1 करोड़ का खर्चा करा, फायदा क्या निकला 1 करोड़ का? नहीं पंडित जी हमारे पिताजी का सौभाग्य देखो, भले ही मरे लेकिन 10 करोड़ की मशीन पे मरे। और डॉक्टर ऐसे ही बोला, अरे तुम टाइम पे आ गए, बिल्कुल हर डॉक्टर का तकिया कलाम, बिल्कुल टाइम पे आ गए, और अमेरिका से अब भी मशीन आई, जर्मनी से आई, जापान से आई, चार इधर से घुसाई, चार इधर से घुसाई, दो इधर से घुसाई, और एक ऐसे लगती ढोर छाप। मैं कुछ उसका दृष्टांत नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें से कह रहा हूं, यदि आप सम्यक दर्शन के बिना गए और शिविर लगाते रहे, पंच कल्याण करते रहे, व्रत उपवास करते रहे, तीर्थ यात्रा करते, 10-10 घंटा गुरुदेव को ही सुनते रहे, एकड़ा बिना न मिंडा छा, मैं वो दृष्टांत दे रहा था, 10 करोड़ खर्चा करे पिताजी मर गए, ये बड़ा बहुत गर्व हो रहा है उसे, जैसे हमें गर्व हो रहा है, हम इतना सुन रहे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इतना दान दे रहे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पंच कल्याण कर रहे लेकिन सम्यक दर्शन, तो ये जो ठंडी सांस है ना ये हमें बहुत बड़ा घाटे का है। 2-3 बातों की वजह से कही है बात, उधर जाना आज भी आपको सरल लगता है विदेश से, और इधर जाना आज कठिन लगता, गजब हो गया। बहन सिंह का बचना मत याद आ जाता है, हाजरा हजूर विद्यमान छेने। विद्यमान है उसको देखने, हिंदी में कहते हैं काक में छोरा ने गांव में ढिंडोरा, क्या बोलते हैं आप, क्या ही बोलते हैं कुछ? गोद में बच्चा है और ढूंढते फिरते सारी जगह,
अभी भी कठिन है, मैं फिर कह रहा हूं अभी भी कठिन है। ग्रंथ तक जाना सरल लगता है आपको, ग्रंथों के माध्यम से चार अनियोग, ढाई दीप और तीन लोक तक जाना सरल लगता है, और ग्रंथ के माध्यम से यहां आना कठिन लगता है। अब स्वामी जी क्या कह सकते हैं, हूं ज्ञायक छू, क्या बोलते हैं, हूं परमात्मा छू, हम नक्की कर। गुरुदेव ने कहा ढाई दीप नक्की कर, ठपका दे अपने आप को, ठपका समझते। गुरुदेव कह रहे ये तो ढाई दीप नक्की करने, ज्ञायक नक्की करने। अब अपने को ज्ञायक के नाम पे क्या लगता है, ज्ञायक में कुछ है ही तो नहीं। हरे आनंद गुणों का पिंड है, ध्रुव है, शाश्वत है, अप्रभावी है, आनंद मूर्ति है। गुरुदेव कल फरमा रहे थे नहीं, आनंद काल केवल ज्ञान जरे ऐसा है, कल परसों के दिन सुना था मैंने पीछे बैठ के। मतलब ये ऐसे सुंदर सत्स्वरूप को नहीं जानता, और जहां असत है वहां से कल्पना कर रहा है। क्या बोला, अब जहां असत है वहां से कल्पना कर रहा है। सुबुद्धि तोड़ना समझ में आ गया, थोड़ा कठिन इसलिए कि सूक्ष्म है वो। सूक्ष्म माने तुम फोकस करो इस चीज को, कठिन नहीं है, फोकस करो उसको। अभी आप अभी उठ के चले जाएंगे, क्यों चले जाओगे, सुमत प्रकाश जी प्रवचन में बहु सारू, क्या बहु क्या बोलते हैं, गम तू है तू क्या, वो अच्छा लगा, मतलब इसमें क्या दम है, अच्छा लगा इसमें क्या दम है। ऐसी बात हो गई कि आपको बहुत जम के भूख लग रही है, भोजन रखा हुआ है तो आप कर ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने समझाना शुरू किया एक घंटे तक, डी बेस्ट है, टेस्टी है, अटपेरा घी का बना हुआ है, बिल्कुल सामने दूध कड़ाई कड़ाई लूच है। सब समझाए और आप ताली भी बजाई, खुश भी हुए, वाह वाह वाह, आज तक नहीं देखा ऐसा तरकारी शुद्ध भोजन। इतना सुंदर, स्वादिष्ट, सुगंधित, ऐसे। और फिर चले गए और सारी दुनिया में तारीफ करते रहे, आज का दिवस धन्य है, आज हमने पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन देखा, सुगंधित देखा। तो लोगों ने पूछा चखा, अरे अपना कहां भाग्य। ये तो सुमत प्रकाश जी का भाग्य है क्या। फिर कह रहा हूं भाई फोकस करना, देखो बातों तक जाना माने दूर जाना, ग्रंथ तक जाना माने दूर जाना, और फिर जितने क्रियाकलाप दान पूजा पाठ जहां तुम्हें लगता होने वो सब दूर है। एक भजन गाते थे बहुत बढ़िया भजन, पंडित कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले, एक छपाया था ना सातवें भाग में, सात भाग में, अपनो धनी नहीं दूर देश अंतर, मेरो धनी क्या मेरा धनी, मेरो धनी नहीं दूर देश अंतर, मोही में है सूजत नीके। नीके समझते, अच्छे से दिख रहा है, नीके माने अच्छे से दिख रहा है, मारवाड़ी भाषा है नीके, मारवाड़ी लोग होंगे नहीं समझते मैं, नीके पहले जमाने में लिखते थे नीके कर जानिए। तेरो धनी नहीं दूर देश अंतर, तो ही मैं है बीरा प्रभु के बोल, अभी भी तेरे ही। भाई वीरा भगवान तो आपसे कह रहे तेरा प्रभु तेज में डूल रहा, अपन क्या, हाँ ऐसे खुश हो जाने की मड़ी गयो मड़ी गयो मड़ी गयो, हाँ मजा आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया, अब हो गया है ना। कल अपने वो करे बहुत मजा, कल कल बहुत दिन भर मजे लिए हमने, कल दिन भर बहुत मजे लिए। बच्चों के बच्चे बैठे थे बहुत सारे, पाठशाला थी ना, संडे थी तो बच्चे तो पता नहीं ऐसे अचानक विकल्प आ गया, मी टू कैंपेन चला था एक बार, मी टू कैंपेन, तो हमने बच्चों को मी टू कैंपेन समझाया, सब कुछ समझ में आ गया। तो हमने पूछा खड़े होकर बताओ दो बच्चियां मी टू कैंपेन का क्या मतलब, तो एक बच्ची बोली मैं शिविर में जा रही हूं तुम, तो दूसरी बच्ची बोली मी टू। नहीं नहीं ये तो तुमने शिविर की वजह से बताया, मैं तो जो पढ़ा रहा हूं ना प्रवचन में उसे समझा, फिर दो लड़कों को खड़ा किया, तुम्हें समझ में आया कुछ, मैं क्या पढ़ा रहा था एक घंटे से प्रवचन में, तो दो बच्चे खड़े हुए बिल्कुल सही जवाब, एक बच्चे ने कहा हूं परमात्मा छू, दूसरे ने कहा मी टू। बहुत रोमांचक क्षण था, मैंने बहुत मजा आ रहा था, मेरे बच्चे ने एकदम एक्यूरेट जवाब दिए, इतने छोटे छोटे बच्चे थे बहुत छोटे, एकदम एक्यूरेट जवाब दिए। तब से मैंने इनसे कहा मी टू कैंपेन चला, उससे भी मैं आ रहे हो। हूं परमात्मा छू, रोमांच कर,
मन मजे लो, छोटे छोटे बच्चे घर में हो ना, बेटे तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, ये तो अधिक भाव है। ये उसे नहीं बताना अधिक भाव, उसे जी कहना मैं तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी मेरी मम्मी नहीं तो कौन की मम्मी है, सन हूँ परमात्मा छे। ऐसे गुरुदेव पुकारते हैं, हमको बुलाते मम्मी तमें हूँ पण। चलाना भी कैंपेन इसका, बहुत मजा आएगा। अच्छा फिर तो हमने इसका प्रयोग वहां भी किया चेतन धाम में चलते समय, मैं सिविल में आ रहा हूँ, बच्चे बोले मीट। समझ में आया कुछ, मैंने ये जो आपका आनंद है ना, ये कल्चर बन जाएगा। लेकिन दूर मत जाओ, पास आओ। नियम साजी परमागम में तो नव तत्व के विचार को भी पराश्रय कहा है, पराश्रय पढ़ा चुके आपको अभी। नव तत्व है उसमें मोक्ष तत्व भी है, विकल्प भी है, गुण भेद का विकल्प भी है, ये परद्रव्य है, प्रभाव है। अर्थात जब तक तुम्हें विकल्प आ रहे तो मजे मत करो। तुम क्या सोचते हो आज चार घंटा विचार चला, छह घंटा पढ़ा, मजा आ गई, मजा आ गया। नहीं नहीं, यही नशा आ रहा है आपको, नशा नशा समझ, एडिक्शन हो रही है आपको। तुम्हें अंदर से लगना चाहिए हूं परमात्मा, लगना चाहिए, लगने की बात है, और लगने की बात निर्णय तब तक करो। टोटो मजी सामने लिखा है निर्णय तब तक करो जब तक आप में आप बुद्धि ना आ जाए। ए आपका विचार आ जाए, नहीं आप में आप बुद्धि नहीं आ जाए तब तक निर्णय करो। निर्णय करने का तरीका दिया, परीक्षा का प्रधान ही है ना, परीक्षा में परीक्षा करने के तरीके बताए, लक्षण से निर्देश से परीक्षा सब लिखा है, उसमें पूरा पढ़ लेना। उसमें चलें, टाइम हो रहा है बहुत जोरदार। सुख बुद्धि कैसे टूटेगी, पकड़ में अभी लगभग ये है। बस पंडित जी एक इसका राग नहीं छूटता, तो हम पूरी शक्ति उसमें लगा देते, इसका राग कैसे छूटे कैसे छूटे, सुनना सभी लोग। तो इसका क्या नुकसान है वो बता रहा हूं। तो गायक का तो तिरोभाव हो गया, और जो चीज पहले छोड़नी थी मिथ्या वो तो गया एक तरफ। बस जो चीज आपने हाईलाइट कर दी तो इसके निदान बंद हो जाता है, निदान बंद होने पर परिणाम चेंज हो जाता है, विकल्प चेंज हो जाता है, और वो बाहर में सामग्री भी छूट जाती है। जैसे मैं बहुत सिंपल बात कहूं, मेरे को जब भाव था ना ब्रह्मचर्य के मार्ग में आने का, तो मुझे मुनि बनने का बहुत भाव था, वो तो अभी भी है, लेकिन पहले जैसा था वैसा नहीं है। पहले मुझे ऐसे नग्न कैसे रहूंगा, ठंड कैसे सहूंगा, चटाई पे कैसे सोऊंगा, कैसे लोचमोच से करूंगा, जंगल में अंधेरे में कैसे रहूंगा, जी जी सताता था मुझे भाव, बनना है बहुत दिमाग। फिर एक बार मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ गया तो माउंट आबू पहुंचे, माउंट आबू तो माउंट आबू में 5 बजे बहुत जम के ठंड मतलब ठिठुर रहे थे, बहुत ठंड थी माउंट आबू में। तो वहां बंदर थे पेड़ों पर, जब पर्वत पे से नीचे आ रहे थे ना, तो उस समय मुझे लगा ओहो ये नग्न भी रह रहे हैं, ठंड को भी सह रहे हैं, शरीर इनका समर्थ हो गया है, उदय इनका बदल गया है, ओहो लेकिन आत्मा को जाने बिना मुनि दशा नहीं आई। उस समय मेरा वो विकल्प टूटा, उस दिन से मैंने ये नहीं सोचा ठंड कैसे सहेंगे, अरे इसमें दम क्या है, केस लॉन्च कैसे करेंगे, कभी प्रैक्टिस नहीं करता केस लॉन्च कैसे होगा, अरे इसके सामने मोह नहीं रहता तो केस लॉन्च की क्या बात, ठंड कैसे सहेंगे, बोलना बोला एक पंडित साहब वाली, वो तो तुमने सुनाई थी ना, कैसे राजुल नेमी का, राजुल ने एक कृत्रिम संवाद है, कृत्रिम, राजुल नेमी से कहा इतनी ठंड में कैसे रहोगे, इतनी ठंड में बेहाल हो जाओगे, तो उन्होंने कहा मैं संबर कंबल ओढ़ के, अंबर समझ आए, संबर अंबर ओढ़ के वो ठंड को मैं सह लूंगा, कृत्रिम बनाया उसको। मैंने देखो ज्ञानियों की सोच उदास से शुरू हो जाती है, अपन अभी नपुंसक जैसे सोचते नमक बिना नहीं फाप से, शक्कर बिना ना चाले, अरे मूर्ख एक परमाणु मात्र तूने आज तक ग्रहण नहीं किया, अनारी परमात्मा का अनुभव कर, पूरे विश्व के संपूर्ण पदार्थ के बिना तू अनंत काल रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं नग्न नहीं रह पाता, झूठ बोलते हो, 83 लाख योनियों में से एक तेरा देव का छोड़ दो और मनुष्य का छोड़ दे, और मनुष्य में मैक्सिमम नंगे ही रहते,
सारी त्रियन से कहती हूँ नंगी तो रहे हो तुम, क्या नंग नहीं रह सकती, ठंड नहीं सह सकते, कैसी झूठ बोलती हो, ठंड सह चुके तुम अनंत बार, नरक की भी और त्रियन से की भी झूठ बोलती हो, नहीं साहब गर्मी में पंखा भी ना नहीं चले, मूर्ख बूंद बराबर नहीं हो मनुष्य जिन्हें केवल पंखा कूलर मिलते हैं, बूंद बराबर नहीं हो, आनंद कहां से, गर्मी सहने की आदत है, भूख सहने की आदत है, लेकिन सुन आत्मा के आश्रय से नहीं किए थे। मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन वो एक ग्रंथ पता ना 1008 बोल छपे थे उसमें, परमागम चिंतामणि, उसमें है वो बोल। इस जीव ने पराश्रय से जितने दुख सहे हैं उसका अनंत भाग यदि स्वाश्रय से सह लेता तो मोक्ष हो जाता। क्या क्या लिखा है, पराश्रय से, पराश्रय समझ गए, मिथ्यात के बस होकर के कर्मों के उदय के बस होगा अनंत दुख होगी, उसका अनंत भाग भी स्वाश्रय से होगा होता तो मोक्ष हो जाता, ऐसा लिखा। सोचो फिर ध्रुव मत छोड़ना, ये कहना ज्ञायक नहीं छोड़ना, सुख बुद्धि छोड़ना मत, छूटने दो, भाव होते तो खाओ थे, हमसे ही कहते हैं आप ऐसा क्यों करते, हम भाई हमें अच्छा लगता है, खतर तो आप, मैं कहता हूं उसका मैं अपराधी हूं, आप निंदा करते जरूर करो, मैं आपकी निंदा का प्रतिवाद नहीं करूंगा, क्योंकि आप औदिक भाव की निंदा कर रहे हो, पारिणामिक भाव की निंदा नहीं कर रहे हो, मैंने तो खुलेआम कहा है आप मेरे औदिक भाव की निंदा सहर्ष करो, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूं मैं भी नहीं चाहता कि ये हो, लेकिन है, उसका उसका नकार मैं नहीं कर सकता, उसका उसको मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि वो सही पाक निर्जरा है, क्योंकि वो औदिक भाव है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इस समय ना कर्णानियों का द्रव्यानियों का सुमेल करके सुख बुद्धि ऐसे छूटेगी, अपन भी पीछे पड़ जाती, नहीं नहीं छोड़ के रहूंगा, छोड़ के रहूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसे निदान बंद करोगे जी कह रहे हैं, मन पकड़ में आया, तब मुझे समझ में आया निदान के बस होकर मैं अनंतवार मुनि बन गया, खूब भावना भाई तो बन गए, नहीं नहीं अब कोई निदान नहीं, अब तो एक ध्रुव गायक की सेवा दूसरी बात नहीं, एक ध्रुव गायक के अनुभव की सेवा मुझे चैन न पड़े, उसी उसी की पकड़ो तो सब इनका क्या होगा। हाँ बोलो क्या होगा, कौन उत्तर देगा, गायक के आश्रय करने वालों को अयोग्य विकल्प उत्पन्न नहीं होते, पहले घटते हैं फिर मिटते हैं, एकदम नहीं मिट जाते, वो ध्यान रखना, अयोग्य विकल्प गुणस्थान प्रमाण घटते हैं और मिटते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। एक अंतिम बात क्या करके बात पूरी करूं, मुझसे भी आपत्ति करते हैं और जतीश भाई जी से भी आपत्ति करते हैं मुमुक्षु लोग, जो ज्यादा स्वाध्यायी होते ना, ज्यादा स्वाध्यायी माने तथाकथित, तथाकथित माने कृत्रिम, क्योंकि उन्हें पकड़ नहीं इस चीज की, उन्हें क्या लगता है भाई जी क्यों टाइम खराब कर रहे, डॉक्टर साहब को क्या जरूरत पड़ी सबको करने, और इतना पंच कल्याण क्यों करना, फला क्यों करना, शिविर क्यों करना, अपने को तो अपना निर्विकल्प लोटा छानना, मैं समझ गया कितना संकल्प विकल्प में पड़ गए, बोलो शिविर लगा के है ना, कितनी देते आराम से अपन फैक्ट्री में बैठते, मां निर्विकल्प थे अपन नहीं क्या व्यापार धंधा शादी विवाह में निर्विकल्प थे, जब से इन्होंने कह दिया वो विकल्प है, वो टेंट हाउस फिर फला फिर भोजन फिर पानी, ये भैया इसलिए हम लोगों ने पंडित जी शादी विवाह में शुद्ध भोजन बनाना ही बंद कर दिया, कैटरर को दे देते तो निर्विकल्प, कैटरर जानी, समझ गए कुछ कह रहा हूं भैया, पहले अयोग्य विकल्प मिटते हैं योग्य विकल्प होते हैं। मैंने एक बात बोली थी याद हो तो, जैन शासन के मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग हो मोक्ष मार्ग सम्यक दृष्टि की बात करता हूं, मोक्ष मार्ग में पाप भाव घटते घटते मिटता है और पुण्य भाव बढ़ते बढ़ते मिटता है, घड़ी समझ में आया कुछ, पाप भाव घटते घटते मिटता है और पुण्य भाव बढ़ते बढ़ते मिटता है। अब इसका सुमेल होगा बोलो तो, वो घटा और ये बढ़ा, मिट जाएगा, चिंता क्यों करती हो, नहीं नहीं अपने को कहीं नहीं जाना, पाठशाला नहीं चलाना, ट्रस्टी नहीं बनना, भैया कितना संकल्प विकल्प, पैसा लाओ फिर 10 जनों की सुनो फिर 10 जने बातें करते हैं, भैया हमको मरी नरक में देश है, नरक नहीं निगोद है, कैसी बातें कर रहे, हम तो इतना पढ़ सुन रहे, ए तू बेवकूफ है, मिथ्या दृष्टि है, समझ में आया कुछ मैंने कहा कुछ, ऐसे कैसे बोलती हो आप, हम 10 घंटा सुनते पड़ती, अरे तू अभी पढ़ रहे को कारण मान रहा दुख का,
शादी कराने के नाम पे, करने के नाम पे, व्यापार करने के नाम पे तो 100 जनों भी सुन सकता है, और दिया सास गुरु का प्रवर्तन करने के नाम पर, शिविर लगाने के नाम पर, और गुरुदेव के नाम पर, सोचो फिर क्या होगा, जैन शासन का क्या होगा, बोलो। मेरी बातों पे तो बहुत आपत्ति हो सकती है लोगों को, मैं तो कहता हूं जो कोई शादी करे 4 बच्चे करो कम से कम। कल एक भैया बोल रहे थे, कल सचिन आपका क्या विचार है, जैन समाज की संख्या घटती चली जा रही। मैंने बोला तो 0 आने वाली 50 वर्ष में, 100, 200, 300 वर्ष में 0.1 बचेंगे। नहीं तो आपको, तो आप तो ब्रह्मचारी हो, है तो ब्रह्मचारी, इसका क्या मतलब है? हम वेश्यावृत्ति के लिए नहीं कह रहे हैं आपसे, हम फला काम के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे तुम गंदी चीजें देखते रहो, ये योग्य विकल्प है। जैन समाज की रक्षा कैसे करोगे, फिर माता पिता की सेवा कौन करेगा, फिर मुनि कौन बनेगा, आदि का कौन बनेगा, कांजी स्वामी कहां से लाओगे फिर? और देश में एक दुर्भाग्य, भयंकर दुर्भाग्य, मैं क्या कहूं, बात बढ़ गई, टाइम तो ज्यादा ही हो गया, भयंकर दुर्भाग्य की बात पूरी करता हूं। भयंकर दुर्भाग्य ये है, पंडित साहब ऐसे कहते हैं, सज्जनों की निष्क्रियता से दुष्ट लोग राज्य करते हैं, सज्जनों की निष्क्रियता से दुष्ट लोग राज करते, समझिए कुछ कह रहा हूं। हम स्वाध्यायी हैं, हम अध्यक्ष नहीं बने, स्वाध्यायी हैं, हम काम नहीं करेंगे तो आगे विरुद्ध काम नहीं होंगे, फिर वह मान कसाई नहीं होगी, वह झगड़े नहीं होंगे, वह वोटिंग नहीं होगी, वो ही होंगे जो झगड़े हो रहे। नहीं, धर्मात्मा का पहला काम है लीड करो, ऐसा विकल्प है। अरे तो रुक तो सही, साधु गुणसान विकल्प रुक जाए, तू मुनि बन जा, वो स्वभाव के आश्रय से 3 कसा छोड़ गया, हो जाएगा तू निर्विकल्प। माने हम क्या कितना आगम विरोध सोचते हैं, जिस भूमिका में हमें विकल्प होते हैं वो करते हैं, तो अशुभ विकल्प में तो विकल्प नहीं लगते, और शुभ के नाम पे विकल्प लगते, ये मिथ्यात्व है। कि साहब आपकी कोई मानेगा कि मत मानने, उससे क्या दिक्कत, हम तो कहेंगे हम तो करेंगे भी, जब हमें विकल्प हम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? विकल्प करना मिथ्यात्व नहीं है, विकल्प का कर्ता मानना मिथ्यात्व है। और जो प्रवर्तन हम कर रहे हैं, जो शिविर हम लगा रहे हैं, हमारे पैसे से लग रहा है, हम लगा रहे हैं, ये मिथ्यात्व है, इसे रोक करके ध्रुव देखो। सबसे बड़ी बात कहना रह गई अभी, दुर्जेश का दुर्भाग्य, जितने पढ़े लिखे लोग अमीर लोग हैं वे बच्चे पैदा करने से डरते हैं, गरीब लोग आज भी 4-4, 6-6, 3-3, 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं उनको, रूखी रोटी खाते हैं, संघर्ष करते हैं, चावल खाते हैं, संघर्ष करते हैं, बच्चे पाल लेते हैं। और हमारी इतनी गंदी सोच हो गई, एक एक बच्चे की 1 करोड़ रुपये पढ़ाई करवाना चाहती, क्यों पढ़ा रहे इतना, अपना बच्चा अपने घर में कमा खा लेगा। नहीं पप्पा हाईटेक, और पप्पा मुझे जाना है अमेरिका पढ़ने को, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया ढोर, ये एक लोता बच्चा है, वो ही चला जाए, करोगे क्या तुम? पाकिस्तानियों के बच्चे आतंकवादी बन के बाहर चले जाते हैं, मर जाते हैं, और जैनियों के बच्चे अमेरिका जाके मर जाते हैं, फर्क क्या पड़ा? बहुत खराब बात बोली। नहीं क्या फर्क पड़ा, अपना बच्चा अमेरिका जाके मर गया, न सम्यक दर्शन, न सत्ता तो अभ्यास, न कोई चर्चा, न समागम, और अपनी फैक्ट्री यही रखी रही, यही मकान रखा रहा। दुर्भाग्य कहता हूं इसे, खतरनाक दुर्भाग्य, पढ़े लिखे लोग बच्चे पालने से डरते, क्यों? अब उसकी तो लंबी चौड़ी रामायण नहीं सुनाऊंगा, बस सोचना जरा शांति। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बिजनेस बंद कर दो, इतना कोई खाने वाला ही नहीं है, इसके ब्याज में बच्चे पल जाएंगे तुम्हारे, और बाकी ब्याज में सिविल लग जाएगा। पैसा बचा रहेगा, वो मूलधन, मूलधन तो बचे ही रहेगा, ब्याज में सिविल लग जाएगा। और मेरा तो एक सोच है, अभी भी कह रहा हूं, मजा तो ये आया कि अपने सिविल की पत्रिका पे लिखे पूरे देशवासियों के लिए, आप जान के लिए नहीं ज्ञान के लिए पधारो, हमारा पैसा सार्थक होगा, हमारा तन मन धन सार्थक होगा, हमारा भोजन सार्थक होगा। क्या लिखा है भैया पूजा में 10 लक्षण में, क्या श्रावक साधु की परीक्षा 5 गुण लख लीजिए, क्या वो, क्या वो सब दे दीजिए उसको, है ना सब कुछ में, हाँ निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया भय गया, और आगे इसी के साथ में है भाव, मैंने उसको सब दे दीजिए, पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब, सब दीजिए, जेनी का पेखो बेटा, जेनी का पेखो तिहायत पुरुष सांचे, पुरुष सांची माने आत्माटी, साधक को साध करके, समाज को, साधर्मी को देखकर, उसे दरब सब दीजिए,
सही में मैं चाह रहा हूँ मेन लाइन, और एक एक लाख के 300 व्यक्ति बन गए ना यदि यहाँ, तो 3 करोड़ हो जाएंगे, और ऐसा बढ़िया आलिशान शेर होगा चक्रवर्ती जैसा, ब्याज भी नहीं ले रहे तुमसे, ब्याज भी मूलधन तो बच ही रहेगा, अभी आपको 1000 शिविर लगा दो हर साल 3 करोड़ का शिविर। और मैं एक बात कहता हूँ, अपना पैसा दुनिया में बांटते फिर अपने गांव में सूखा पड़ा रहे पूरे, अभी आप क्या समझते हो सच में कितने मध्यस्थ व्यक्ति मिलेंगे आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि मेन सिटी में हो जाए, मुमुक्षु, श्वेतांबर, चाणकवासी, देरावासी, और जो क्या कहलाते हैं मित्र पक्ष में 125 मंदिर अपने, उनमें इतने मध्यस्थ आएंगे, पूछो। मैं इनका संगठन चाहता हूँ, वो शिविर संपन्न नहीं कर, शिविर चलाना तो फॉर्मेलिटी है, नहीं इधर जो लोकल के लोग जुड़ेंगे, वो जो संगठन होगा, 1000 व्यक्ति भी हमें मिल गए ना नए, बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो श्वेतांबर समाज में बहुत जाता हूँ, मुझे यहां से प्यासे दिखाई देते, प्यासे। अब उनको भाग में नहीं रोज मिले, आजकल तो YouTube से सुन रहे हैं सब लोग, लेकिन अपने को पंडित साहब एक बात कहते हैं, हम व्यवस्था नहीं करें इसमें, हम हित का साधन नहीं दें, हित के निमित्त ना दें, इसमें हमारा दोष है, और हमारी पूरी मित्र पक्ष की समाज, वो जैन समाज, उसका लाभ ना ले, मान लो आपको लाभ नहीं ले रहे, तो इसमें उनका उदय का दोष है, इसमें उनका दोष है, वे लाभ ना लें, हम पानी ना पिलाएं, इसमें हमारा दोष है। पूज्य गुरुदेव श्री की अंतिम बात याद करके, जो उन्होंने पद्मनंदी पंचमिंशतिका के आधार से कही, जली हुई खिचड़ी मिलती है तो भी कौआ कांव कांव करके बांटता है, बुलाता है, पुकार के खाता है, बुला के खाता है। हमें तो विश्व का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ मिला, विश्व की सर्वोत्कृष्ट चर्चा मिली, अमृत मिली, यदि हम इसे अपने गांव वालों में ना बांटें तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा।